किसी जमाने में एक राजा हुआ करता था, राजा सुमेर चंद। राजा सुमेर चंद बड़ा ही दयालु और नेक होने के साथ साथ भगवान विष्णु का बड़ा ही भक्त था। उसकी ये इच्छा थी कि वो भगवान नारायण के साक्षात दर्शन कर सके। वह हमेशा ये कहा करता कि जो भी उसको नारायण के दर्शन करवा दे उसे वह मुंह मांगा इनाम देगा। उसमें भगवान नारायण के दर्शन करने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि उसने ये घोषणा अपने राज्य में करवा दी। उसके राज्य में एक गरीब आदमी रहा करता था, उसका नाम था सरजू। सरजू इतना गरीब था कि कभी कभी उसे भूखे पेट भी सोना पड़ जाता था। जब उसने ये बात सुनी तो सोचने लगा कि काश मैं नारायण भगवान के दर्शन राजा को करवा सकता तो मुझे भी मुंह मांगा इनाम मिल जाता। आखिरकार गरीब सरजू सोचने लगा कि किसी तरह से राजा से ये इनाम हासिल कर लिया जाए। उसने कई उपाय सोचे पर कोई भी उपाय उसे सही ना लगा। सोचते सोचते दिल में ये बात आ गई कि राजा से जाकर कह दूं कि आप मुझे 3 साल तक अच्छा भोजन खिलाएं तो मैं नारायण के दर्शन आपको करवा सकता हूं। मतलब उसका ये था कि 3 साल की अवधि में शायद हम दोनों में से कोई मर जाए या फिर 3 साल गुजर जाने के बाद राजा की ये इच्छा कुछ कम हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि मैं 3 साल बाद राजा से इस गलती की माफ़ी मांग लूँगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। इस तरह से मैं जीवन में कुछ सुख तो भोग सकूँगा, कुछ अच्छा भोजन कर सकूँगा। ये सोचकर वो गरीब आदमी राजा के दरबार की ओर चल दिया। महल के दरवाजे पर पहरेदारों ने सरजू को रोक लिया। जब उसने बताया कि वो राजा को नारायण भगवान के दर्शन करा सकता है तो ये खबर राजा तक भेजी गई। राजा ने कहा तुरंत उस आदमी को पूरे सम्मान के साथ मेरे सामने हाजिर किया जाए। जब गरीब सरजू राजा के सामने आया तो बोला, महाराज मैं आपको भगवान नारायण के दर्शन करवा सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? महाराज नारायण के दर्शन आपको 3 साल के बाद ही हो सकते हैं और इतने समय तक आप मुझे अपने पास रखेंगे और मुझे जो भी सामान और खाने पीने की चीज़ें चाहिए वो सब आपको मुझे देनी होगी। राजा ने कहा मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, परंतु यदि 3 साल गुजरने के बाद भी तुम मुझे नारायण के दर्शन ना करवा सके तो तुम्हारे लिए क्या सजा होगी? गरीब सरजू ने कहा, हजूर जान से ज़्यादा प्यारा तो दुनिया में किसी को कुछ नहीं है, आप मेरी जान ले लीजिएगा, बड़े शौक से मेरी गर्दन काट दीजिएगा। उसका आत्मविश्वास देखकर राजा ने शर्त मान ली और जो भी मुंह मांगा इनाम था वो गरीब सरजू को दे दिया गया। सरजू के रहने की व्यवस्था राजमहल में ही कर दी गई। जो भी सरजू की जरूरत होती राजा उसे पूरी करता। खाने पीने के लिए सरजू को अलग अलग तरह के राजसी पकवान मिलने लगे। सरजू की सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाने लगा। हर समय नौकर चाकर उसकी सेवा में लगे रहते। सरजू के दिन बड़े ही आनंद से बीतने लगे। देखते ही देखते 3 साल भी पूरे हो गए। 3रे साल की आखिरी रात को सरजू राजा के डर से रात के अंधेरे में महल से भाग गया, क्योंकि सरजू ये बात भांप चुका था कि 3 साल पूरे होते होते मैंने हर तरह की सुख सुविधाओं का आनंद ले लिया, परंतु राजा को भगवान नारायण के साक्षात दर्शन नहीं करवा सका। ये सोचकर वो भागते भागते एक जंगल में जा पहुंचा, जहां पर ना तो कोई जीव जंतु था और ना ही कोई दाना पानी। वो हैरान परेशान जंगल में भटकने लगा। यहाँ सिवाय भगवान के उसका कोई भी सहारा ना था। एक पेड़ के नीचे बैठकर सरजू खूब रोने लगा। कुछ देर बाद वो उठा और नाक की सीध में चलने लगा। चलते चलते वह एक टीले के पास पहुंचा और तेज तेज दौड़कर उस टीले के ऊपर चढ़ गया और फिर आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगा कि कहीं कोई आदमी मेरे पीछे तो नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं कि राजा ने अपने सिपाही मेरी तलाश में छोड़ रखे हों। जब दूर दूर तक उसे कोई आदमी दिखाई ना दिया तो वो निश्चिंत होकर टीले से नीचे उतर आया और बदहवास होकर फिर आगे बढ़ने लगा। ऊंची नीची पहाड़ियों
और खाइयों को पार करता हुआ वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां पर इंसानों का गुजारा होना संभव नहीं था। वह डर के मारे थर थर कांप रहा था। अभी वो ठीक तरह से अपने होश संभाल भी ना पाया था कि इतने में सफेद कपड़ों में दमकते चेहरे के साथ एक बूढ़ा उसे अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। सरजू अब और भी ज्यादा डरने लगा कि ना जाने अब क्या होगा। सरजू के नजदीक पहुंचकर उस बूढ़े राहगीर ने सरजू के चेहरे पर डर के निशान पहचान लिए और उसे हौसला देते हुए पूछा कि तू इस तरह से दुखी और घबराया हुआ क्यों है बेटा? इस वीरान जंगल में तेरे आने का क्या कारण है? सरजू के मुंह में तो मानो जबान ही ना थी, वह तो गूंगों की तरह चुपचाप खड़ा रहा। फिर उस बूढ़े ने पूछा, अरे भले मानस, तू चिंता मत कर, जो कुछ भी तेरे मन में है मुझे बता दे, हो सकता है मैं तेरी कुछ सहायता कर सकूं। जब सरजू ने देखा कि वो बूढ़ा राहगीर उससे इतनी हमदर्दी कर रहा है, तब उसने राजा का भगवान नारायण के साक्षात दर्शन के लिए इच्छुक होना और जो कोई भी उसे नारायण के साक्षात दर्शन करवाए उसे मुंह मांगा इनाम देने की घोषणा करना, अपना वहां पर जाना, राजा से कहना, शर्त लगाना और 3 साल के बाद वहां से भाग जाना, सारी घटनाएं उसने विस्तार पूर्वक बूढ़े राहगीर को बता दी। बूढ़े राहगीर ने बड़ी ही हिम्मत से कहा, चल तू मुझे राजा के पास ले चल, मैं राजा से कहकर तेरी गलती की माफी करवा दूंगा। सरजू उस बूढ़े राहगीर की बातें सुनकर उस पर विश्वास करने लगा और तुरंत उसके साथ राजा के महल की तरफ वापिस चल दिया। इधर नगर में राजा के सिपाही उसे हर जगह पर तलाश कर रहे थे। जब सरजू और बूढ़ा राहगीर नगर में पहुंचे तो सिपाहियों ने सरजू को पहचान लिया और उसको पकड़कर राजमहल की तरफ ले गए। बूढ़ा राहगीर भी उनके पीछे पीछे चलता हुआ महल में जा पहुंचा और राज दरबार में एक तरफ खड़ा हो गया। राजा ने जब सरजू को देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और गुस्से में वो सरजू से बोला, बेईमान आदमी, अब तो 3 साल से भी अधिक समय बीत गया, तू मुझे नारायण के साक्षात दर्शन करवा या फिर अपनी उस बात को पूरा कर जो तूने मुझसे कही थी। गरीब सरजू ने बड़े ही दुखी मन से राजा की तरफ देखा और कहा, हे राजन, मुझ पर दया करो और मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए, मुझसे बड़ी ही भूल हो गई है, मैंने तो सिर्फ अपना पेट पालने के लिए आपसे झूठ बोला था, अब जो भी आपकी मर्जी हो मुझे मंजूर है, जो चाहे आप सजा दीजिए, मैं आपके सामने हाजिर हूँ। राजा ने कहा, तुम्हारी गलती हरगिज भी माफी के लायक नहीं है, मैंने पहले ही कहा था कि अगर तेरी बात झूठ निकली तो तुझे सजा मिलेगी। ये कहकर राजा ने अपने मंत्री की तरफ देखा और पूछा कि इस अपराध के लिए इस आदमी को क्या सजा मिलनी चाहिए। मंत्री ने कहा, इस झूठ की सजा इसे ये मिलनी चाहिए कि इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं और फिर बाजारों में लटका दिए जाएं, ताकि बाकी लोग भी ये देखकर सबक ले सकें और फिर कोई भी राजा के सामने झूठ बोलने की हिम्मत ना कर सके। एक तरफ खड़े हुए बूढ़े राहगीर ने आगे बढ़कर कहा, मंत्री जी ने सच ही कहा है, ये बिल्कुल सही है, दुनिया की हर चीज अपने असल की तरफ लौटती है। राजा ने दूसरे मंत्री की ओर देखा और उसकी राय जाननी चाही। दूसरे मंत्री ने कहा कि इस आदमी को एक बड़ी सी कड़ाही में खोलते हुए तेल में डाल दिया जाए, ताकि इसका शरीर गल सड़ जाए और ये अपने किए की सजा पा सके। इस बार फिर से बूढ़ा राहगीर आगे बढ़ा और बोला, इस मंत्री ने बिल्कुल सच कहा और ये भी सच है कि दुनिया की हर चीज अपने असल की तरफ लौटती है। फिर राजा तीसरे मंत्री से बोला कि आपकी इस मामले में क्या राय है, इसकी क्या सजा होनी चाहिए। तीसरे मंत्री ने कहा, राजन, आपने जो भी कुछ सुविधाएं इस गरीब आदमी को दी थी वो नारायण के साक्षात दर्शन करने की इच्छा से ही दी थी, इसीलिए इसने झूठ बोला कि आपको नारायण के दर्शन करवा देगा, ये ऐसी प्रार्थना 3 साल तक करता रहेगा और ईश्वर सबकी प्रार्थना को सुनता है और इसी बहाने आपको नारायण के दर्शन भी हो जाएंगे, खैर इससे गलती तो हो चुकी है और ये अपनी गलती पर शर्मिंदा भी है
आपसे माफी मांग रहा है। मेरी आशा है कि आप इसको माफ कर देंगे। ये सुनकर राजा खामोश हो गया। तब उस बूढ़े राहगीर ने एक बार फिर से कहा कि ये बिल्कुल सच है कि हर चीज अपने असल की ओर लौटती है। राजा ने उस बूढ़े राहगीर की तरफ देखा और कहा, हे बूढ़े बाबा, मेरे सभी मंत्रियों ने अलग अलग सलाह दी और अलग अलग राय दी और सभी इस आदमी के लिए अलग अलग सजा भी बता रहे हैं, मगर मैंने गौर किया कि आप हर एक मंत्री की सलाह पर यही कहते हैं कि हर चीज अपने असल की तरफ लौटती है। इस बात का क्या मतलब है? बूढ़े ने कहा, हे राजन, आपका पहला मंत्री जिसने ये कहा था कि इसके टुकड़े टुकड़े करवा कर लटका दिए जाएं, वो असल में एक कसाई का बेटा है, इसीलिए वो ऐसी भाषा बोलता है। दूसरा मंत्री जिसने कहा था कि इसे खोलते हुए तेल में उबाल दिया जाए, वो एक बावर्ची का बेटा है, इसीलिए वो भी अपने असल के हिसाब से ही बोल रहा है। आपका तीसरा मंत्री जो एक बहुत ही नेक खानदान से है, उसने अपनी दयालुता को दिखाते हुए इसके लिए माफी की प्रार्थना की है। अब आप समझे कि मैंने ऐसा क्यों कहा था कि हर चीज अपने असल की ओर लौटती है। राजा ये सब कुछ सुनकर गहरी सोच में पड़ गया और फिर बोला, इसको फिलहाल कैद खाने में डाल दिया जाए। इसका फैसला हम कल सुबह करेंगे। अभी हम इसकी सजा या इसकी माफी का फैसला नहीं ले पा रहे हैं। इतनी देर में राजा ने देखा कि वो बूढ़ा राहगीर राज दरबार से गायब हो चुका था। राजा उससे और भी बातें करना चाहता था, मगर ना कर सका। राजा राज दरबार से उठकर चला गया। वो सारा दिन उस बूढ़े राहगीर के बारे में सोचता रहा। रात को जब राजा सो गया तो सपने में उसे भगवान नारायण ने दर्शन दिए और बोले, हे राजन, तू आज तक मेरे दर्शनों की इच्छा रखता रहा, परंतु आज जब मैं तेरे सामने आया तो तू मुझे पहचान ना सका। वो बूढ़ा राहगीर कोई और नहीं, मैं स्वयं ही था, और मैं सिर्फ उस गरीब सरजू के कारण ही तेरे सामने आया था, क्योंकि वो 3 साल तक रोज यही प्रार्थना करता था कि मेरे राजा को नारायण के दर्शन हो जाएं। मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, परंतु तू मुझे पहचान ना सका। तभी राजा की नींद टूटी। वो दुखी हुआ कि स्वयं नारायण मेरे सामने आए और मैं उन्हें पहचान ना सका, उनको प्रणाम ना कर सका, उनका सत्कार ना कर सका। सुबह होते ही राजा ने अपने सिपाही पूरे नगर में दौड़ाए कि उस बूढ़े राहगीर को ढूंढा जाए, परंतु उसका वहां पर कोई पता ना चला। राजा ने तुरंत गरीब सरजू को कैद से बाहर निकलवाया, क्योंकि उसी की प्रार्थनाओं की वजह से राजा को स्वयं भगवान नारायण दर्शन देने के लिए आए थे। राजा ने गरीब सरजू को हीरे जवाहरात और धन दौलत देकर विदा किया। अब ब्राह्मण की निर्धनता दूर हो चुकी थी। अब एक तरफ तो राजा और दूसरी तरफ सरजू भी नारायण की भक्ति में लीन रहने लगे थे। बात बहुत ही पुरानी है। सूर्यनगर नाम के राज्य पर राजा चंद्रभूषण का राज था। वह दिन रात इसी उधेड़बुन में लगा रहता था कि किस प्रकार से अधिक धन संचय किया जा सके। ज्यादा से ज्यादा धन की लालसा में उसने प्रजा पर बहुत से कर लाद दिए थे, जिससे प्रजा की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। राजा के खजाने में बढ़ती हुई स्वर्ण मुद्राओं, आभूषणों और हीरे जवाहरातों को देखकर राजा की आंखों में चमक बढ़ जाती थी। एक वर्ष की बात है, राजा के राज्य में बारिश नहीं हुई, भीषण सूखा पड़ गया, लेकिन राजा द्वारा लगाए गए कर भी उनकी चिंता के विषय थे। प्रजा की दयनीय हालत देखकर भी राजा का मन द्रवित नहीं हुआ। उसे अपने राजकोष से बहुत ही ज्यादा मोह था। अपने राजकोष में से वह प्रजा के कल्याण के लिए एक कोड़ी भी खर्च करना नहीं चाहता था। एक दिन एक साधु घूमता हुआ उस राज्य में पहुंचा। वहां की प्रजा की बुरी हालत देखकर उस साधु का मन बड़ा ही दुखी हुआ। साधु ने मन ही मन में राजा से मिलने की ठान ली और राजमहल जा पहुंचा। अपने महल में साधु को देखकर राजा ने कहा, पधारिए महात्मा, राजमहल में आपका स्वागत है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। साधु ने कहा, राजन, मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। मेरी इच्छा है कि परलोक में जाकर
कुछ दिनों तक बड़ा ही वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करूं। इसके लिए मुझे कुछ स्वर्ण मुद्राओं की अत्यंत आवश्यकता है। साधु की बात सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, महात्मा जी, आप तो ज्ञानी हैं, दुनिया को ज्ञान का दीपक दिखाकर अंधकार दूर करते हैं, लेकिन क्षमा कीजिए, शायद आप इतना भी नहीं जानते कि परलोक में कुछ भी नहीं ले जाया जा सकता, वहां तो खाली हाथ ही जाना पड़ता है। साधु मुस्कुराया और बोला, आपकी बात बिल्कुल उचित है, परलोक में कोई भी प्राणी कुछ भी नहीं ले जा सकता, फिर आप क्यों व्यर्थ में धन के मोह में पड़े हैं? आप प्रजा के पालक हैं, आप अपना कर्तव्य भूल रहे हैं। आपके राजकोष में जो धन पड़ा है वह प्रजा का है और प्रजा अकाल से पीड़ित है, वह भूख से मर रही है। यदि ऐसे समय में धन खर्च नहीं किया जाता तो उसका संचय करने से क्या लाभ है? साधु की बातें सुनकर राजा को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने लज्जित होकर कहा, क्षमा करें महात्मा, मुझसे ये बड़ा ही भयंकर अपराध हो गया। मैं राजकोष में संचित धन का उपयोग प्रजा के कल्याण के लिए ही करूंगा। आपने मेरी आंखों पर पड़ा हुआ मोह का पर्दा अब हटा दिया है। इसके बाद साधु राजा को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। इस घटना के बाद से राजा का हृदय बिल्कुल ही परिवर्तित हो गया। अब वह हर हालत में अपनी प्रजा को सुखी देखना चाहता था। अब वह अपनी प्रजा का बहुत ही ख्याल रखने लगा। राजा के न्याय और उसके प्रशासन के चर्चे चारों ओर फैल गए। एक दिन की बात है, राजा बड़े ही ठाठ बाठ के साथ अपनी सवारी पर निकला। मंत्री, सेनापति, सैनिकों का तामझाम उसके साथ था। आनंद और उल्लास का वातावरण था, चारों ओर उनकी जय जयकार हो रही थी। थोड़ी ही देर के बाद उनकी सवारी शहर के बाहर के क्षेत्र में पहुंच गई। ये एक ऐसी सड़क थी जो जंगल के पास से गुजरती थी। तभी अचानक एक दुर्घटना हो गई। एक पत्थर राजा के सिर में आकर लगा और खून बहने लगा। एक ही क्षण में विषाद छा गया। सुरक्षा सैनिकों के लिए यह बड़े ही आश्चर्य की बात थी। राजा स्वयं भी इस बात से बड़े ही चिंतित थे। इसका कारण ये था कि राज्य के नागरिक अब उनका बहुत ही सम्मान करते थे, फिर ये घटना क्यों घटित हुई? राजा ने सुरक्षा सैनिकों को खोजबीन की जिम्मेदारी सौंपी। कुछ दिनों तक खोजबीन करने के बाद वे लोग अपराधी को पकड़कर अपने साथ ले आए। जब अपराधी को महाराज के सामने प्रस्तुत किया गया तो महाराज के आश्चर्य की सीमा ना रही, क्योंकि वह अपराधी एक विधवा स्त्री थी जो बहुत ही दयनीय हालत में थी। भय के कारण उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और ना ही उसने राजा की ओर मुंह उठाकर देखा। महाराज ने आज्ञा दी, तुम्हें अपने पक्ष में कुछ कहना है तो कहो। वह स्त्री बहुत ही साहस करके बोली, महाराज, मैंने एक जघन्य अपराध किया है, मुझे मृत्यु दंड दिया जाए। ये बात तो ठीक है कि स्त्री ने अपराध किया था, परंतु कोई भी ये समझ पाने में असमर्थ था कि आखिर इसके पीछे कारण क्या था। राजा ने बहुत ही नरम आवाज में उस स्त्री से पूछा, देवी, ये बताओ कि तुमने मुझे पत्थर क्यों मारा? मेरा अपराध क्या था जिसके लिए तुमने मुझे दंड दिया? महाराज के मुंह से ये बातें सुनकर वो स्त्री बिलख बिलख कर रोने लगी। बड़ी ही मुश्किल से शांत होने पर उसने कहा, महाराज, मुझे दंड दीजिए, मैं अपराधी हूँ। राजा ने कहा, दंड तो तुम्हें मिलेगा, परंतु पहले तुम्हें ये बताना होगा कि तुमने मुझे पत्थर क्यों मारा। उस स्त्री ने राजा के बारे में जैसा सुन रखा था उन्हें वैसा ही पाया। उसने साहस करके कहा, महाराज, मैंने अपने लोकप्रिय शासक के सिर पर पत्थर मारकर जघन्य अपराध किया है, यह सब अनायास ही हो गया। मेरा किसी को पत्थर मारने का इरादा नहीं था, मैं अभागिन विधवा हूँ, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, आमदनी का कोई साधन नहीं है, जंगल में कंद मूल और फल खाकर हम लोग अपना पेट पालते हैं, बच्चों को भूख लगी थी, सामने बेर के पेड़ पर बहुत से पके हुए बेर लगे थे, मैंने पत्थर मारकर तोड़ने का प्रयास किया, एक दो बेर टूट भी गए, सोचा कि कुछ और तोड़ लूं,
तभी एक पत्थर ना जाने कैसे आपको लग गया। मुझे यह पता होता कि आपकी सवारी आ रही है तो कभी भी मैं ऐसा ना करती। मैं अपराधीन हूँ, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, लेकिन मेरे दिल के दो टुकड़े आपकी शरण में हैं, इनको माफ करके अपनी शरण में रखने की कृपा करें। न्यायप्रिय राजा बहुत ही सोच में पड़ गए और सोच विचार कर उन्होंने निर्णय दिया। इस मामले में दो अपराधी है, एक अपराधी तो मैं स्वयं हूँ, क्योंकि अगर कोई विधवा स्त्री मेरे राज्य में होते हुए भूखी रहती है तो ये मेरे लिए एक अपराध के समान है और मुझे इसका दंड मिल भी चुका है, जो बिल्कुल न्याय संगत था। दूसरी अपराधी ये औरत है और इसका दंड ये है कि इसके भरण पोषण की उचित व्यवस्था राज्य के खजाने से की जाएगी। सभी लोग राजा के द्वारा दिए गए इस अनोखे दंड पर आश्चर्यचकित रह गए। जिसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए था उसे आजीवन भरण पोषण के लिए राज्य से धन दिया जा रहा था। राजा ने अपने दरबारियों के अचंभे को दूर करने के लिए कहा, पेड़ पत्थर मारने वाले मनुष्य को बदले में फल देता है, मैंने पत्थर मारने वाली स्त्री को बदले में भरण पोषण का भत्ता दिया है जो मुझे पहले ही देना चाहिए था, ऐसे में आश्चर्य की क्या बात है। राजा का फैसला सुनकर सभी दरबारी राजा की तारीफ करने लगे और उस विधवा स्त्री को छोड़ दिया गया। इस घटना की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। अब तो प्रजा की नजरों में महाराज की ख्याति और भी ज्यादा बढ़ गई।